वो साल था 2016 जब योग गुरु विक्रम चौधरी का अपनी पत्नी से तलाक होता है और तलाक के सेटलमेंट के लिए उनसे बेवरी हिल्स और लॉस एंजलिस वाला घर, फरारी, मर्सिडीज और बेंटले जैसी महंगी गाड़ियां सेटलमेंट में दी जाती हैं। मगर इससे पहले साल 2015 में विक्रम पर एक अमेरिकी कोर्ट में वकालत करने वाली एक महिला वकील ने मीनाक्षी, जिसका नाम था, यौन शोषण करने का आरोप लगाया था और इस अपराध के लिए विक्रम चौधरी पर लगभग 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। मगर कौन है ये विक्रम चौधरी और क्या है इसकी कहानी, तो चलिए आज क्राइम तक पर हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हिंदुस्तान की सरजमीन से निकलकर यूं तो कई लोगों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसी कड़ी में एक नाम है विक्रम चौधरी का, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग को एक अलग पहचान दी। यूं तो ऐसे कई योगाचार्य या यूं कहें यूं तो ऐसे कई योग के टीचर थे जो खुद या उनके जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदुस्तान से बाहर योग सिखाते थे। मगर कुछ ऐसे भी योग गुरु हैं जिनका नाम अक्सर विवादों में आ जाता है और ऐसा ही एक नाम है विक्रम चौधरी का, जिनका नाम सेक्स स्कैंडल्स में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार आया है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि विक्रम के फैन फॉलोइंग में या कहें विक्रम के स्टूडेंट्स में की लिस्ट में कई हॉलीवुड के अभिनेताओं का भी नाम शामिल है। 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में योग अब भारत के हट योग से हॉट योगा में बदल चुका था, मगर कोलकाता में जन्मे विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि योग उनको पूरी दुनिया में इतना मशहूर करेगा। तो उनकी बुरी आदतें और कई लड़कियों से रेप के आरोप उन्हें विवादों में डाल दिए। मगर जैसे ही विक्रम को कामयाबी मिलने लगी, यौन उत्पीड़नों के मामलों की जैसे झड़ी लग गई थी। एक के बाद एक 5 लड़कियों ने उन पर रेप और छेड़खानी के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, एक लड़की जो विक्रम से 46 साल छोटी थी, उसने विक्रम पर रेप के आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि मालिश के बहाने उसके साथ गलत काम हुआ है और इस मामले में लड़की ने अमेरिका के कोर्ट में केस भी दर्ज कराया था। नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ था विक्रम के पास, लेकिन एक स्टूडेंट के साथ रेप की खबर ने पूरी दुनिया में मानो जैसे सनसनी फैला दी थी। रेप और यौन उत्पीड़न जैसी संगीन आरोप लगने के बाद भी आप जानकर हैरान होंगे कि ये शख्स आज भी 9 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए लगभग $10,000 पर स्टूडेंट के हिसाब से आज भी योगा सिखाता है। आपको बता दें कि आज तक यौन उत्पीड़न के इतने मामले लगने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर हाँ, उसने इन यौन उत्पीड़न के मामलों के मुकदमे को जरूर झेला है। हालांकि कैलिफोर्निया की एक अदालत ने विक्रम पर रेप के आरोप बरकरार रखे थे, मगर आज तक ये आजाद है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में 44वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसके ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जो नेटफ्लिक्स के बैनर तले आ रही है और जिसका नाम है विक्रम योगी गुरु रेडिएटर। क्राइम तक पर इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर फॉलो करें।